अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी सऊदी अरब के अंदर एक खबर काफी वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की अपनी मर्जी से जब चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी उसको खत्म कर सकते हैं और अपना नकल कफाला करा सकते हैं, किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकते हैं, वो भी कफील और कंपनी की बिना मर्जी के। तो देखिए, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे, जो कफील या कंपनी आपको वीजा दे रही है और वो आपको सऊदी अरब बुला रहे हैं, और मान लीजिए आपको गए हुए अभी 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, और आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं और कहीं दूसरी जगह आप चले जाएंगे और कंपनी और कफील आपको खड़े हुए देखते रहेंगे, क्या यह चीज़ पॉसिबल है? तो इसी के बारे में एक भाई ने यहाँ पर कमेंट भी किया है कि जो कफील या कंपनी आपको वीज़ा दे रहा है तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी बिना मर्जी के आप अपना नकल कफाला करा लो या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो। यह खबर जो अभी सऊदी अरब के अंदर चल रही है कि जब आप चाहो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, तो कानून तो वाकई में यही है, और जो ये नया कानून बनाया गया है, अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे तो वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि ये कानून तो पूरा का पूरा गैर मुल्की लोगों के हक में ही है। लेकिन जब आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटी सी लाइन आपको मिल जाएगी देखने के लिए, अगर आपके कफील कंपनी को कोई एतराज ना हो तो। अगर मान लीजिए कफील कंपनी को एतराज हुआ तो फिर ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा और ना ही आपका नकल कफाला होगा, या आप फिर कहीं दूसरी जगह अपना ट्रांसफर नहीं करा सकोगे। देखिए, सबसे पहले जो सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के लिए भी नया कानून बनाया गया है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि 180 दिन के बाद लगभग शुरू होने वाला है, जिसमें यह कहा गया है कि गैर मुल्की जब चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और अपना नकल कफाला भी करा सकता है, और जो कफील या कंपनी है वो उस पर एतराज कर सकता है। अब यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कि जब कफील या कंपनी उस पर एतराज करेगा, और वो जाहिर सी बात है वो करेगा ही, क्योंकि जो कफील या कंपनी पैसा लगा रहा है, वीजा खरीद रहा है आपको बुलाने के लिए, और आप मान लीजिए अभी गए हैं, 4-5 महीने हुए हैं आपको, और वो आपको ऐसे ही जाने देगा, जाहिर सी बात है कि जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, उनके पास जाएगी, तो वो वहां पर अपना एतराज डाल देंगे कि जिस काम के लिए हमने वर्कर को बुलाया है वो काम अभी जो प्रोजेक्ट था वो पूरा ही नहीं हुआ है, तो हमें तो एतराज है। तो जब कंपनी कफील को एतराज है, तो जाहिर सी बात है कि जब कफील या कंपनी एतराज डाल देंगे आपके ऊपर, तो फिर ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा और ना ही आप फिर अपना नकल कफाला करा सकोगे, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करना होगा, जो कि पुराना कानून है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस कानून को अच्छी तरीके से देखेंगे तो फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो पुराना वाला कानून है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले भी गैर मुल्की को काफी सारे इख्तियार दिए हुए हैं, और इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि कब आप बिना कफील कंपनी की मर्जी के नकल कफाला करा सकते हैं। अब मान लीजिए लगातार आपको 3 महीने तक, यानी कंटिन्यू आपको सैलरी नहीं मिली है, तो पुराना कानून है कि आपको यह हक मिल जाता है कि आप कहीं दूसरी जगह अपना नकल कफाला करा सकते हैं। या मान लीजिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया है, 1 साल का था या 2 साल का था, तब भी आपको यह हक है, आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका एकामा एक्सपायर है, जो कफील कंपनी है वो उसको बना ही नहीं रहे हैं, तब भी आपको ये इख्तियार मिल जाता है कि आप बिना कफील कंपनी की मर्जी के अपना नकल कफाला करा सकते हो। ये तो पुराना कानून मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो नया कानून है इसमें आपको नया क्या लग रहा है? आप इस नए कानून के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब कफील और कंपनी को एतराज करने का इख्तियार दे दिया गया है तो वो जाहिर सी बात है वो एतराज करेंगे ही और वर्कर को नहीं जाने देंगे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर भी एक अभियान चलाया गया है, जिसमें जो गैर मुल्की हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं या सऊदी शहरी हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर खबर में देख सकते हैं, पाकिस्तानी, यमनी और इसके अलावा कुछ और अलग नेशनलिटी के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर भीख मांगने का काम कर रहे थे। इससे पहले जद्दा के अंदर भी अभियान चलाया गया था, जहां पर काफी सारे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि भीख मांगने का काम कर रहे थे। एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें यह कहा गया है कि आज सऊदी अरब के अंदर एक पाकिस्तानी गैर मुल्की को सजाए मौत दी गई है, और खबर में यह भी बताया गया है कि इस पाकिस्तानी ने एक सऊदी शहरी का कत्ल किया था, यानी आपस में किसी बात को लेकर के इनमें झगड़ा हुआ, उसके बाद इस पाकिस्तानी ने इस पर काफी वार किए और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी, जिसकी वजह से इस सऊदी शहरी की मौत हो गई थी। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर मौत के बदले मौत कानून है, तो इस पाकिस्तानी को भी सजाए मौत दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर रियाद की आपको बताना चाहूंगा, रियाद के अंदर लगभग 12 अलग अलग इलाकों में पेड पार्किंग शुरू की गई है। अगर अब आप इन इलाकों में गाड़ियों को पार्क करोगे, हर घंटे के हिसाब से लगभग 3.5 रियाल आपको अदा करने होंगे।
लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक ये पार्किंग फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो ये अभी इन 12 जगह जो है शुरू किया गया है ये काम, लेकिन आने वाले टाइम में रियाद के और भी काफी अलग अलग इलाकों में पेड पार्किंग शुरू होने वाली है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।